अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 21 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर हफ्ते की तरह इस वीक भी हम लास्ट वीक में डिसाइड की गए मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और इनमें डिसाइड किए गए मेन पॉइंट्स को आपके साथ एनालाइज करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शबीर एटसेट्रा वर्सेस कायदे आजम यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स वाइस चांसलर इस्लामाबाद एंड अदर्स। सिविल अपील्स नंबर 803 एंड 804 ऑफ 2016। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने सिविल अपील्स के तौर पर रखे गए। इन केसेस के फैक्ट्स पर अपेलेंट्स कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में बेयरर और कुक की पोस्ट पर तैनात थे। अलबत्ता इन पर कुछ चार्जेस लगे और एक इंक्वायरी के बाद इन पर कंपल्सरी रिटायरमेंट की पेनल्टी इम्पोज कर दी गई। अपेलेंट्स ने फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 46 के तहत ग्रीवियंस पिटिशंस फाइल की, जिन्हें अलाउ करते हुए लेबर कोर्ट ने उनकी कंपल्सरी रिटायरमेंट की पनिशमेंट को चेंज करके दो इंक्रीमेंट्स की विदहोल्ड करने में कन्वर्ट कर दिया। रिस्पॉन्डेंट्स ने फिर लेबर कोर्ट की इस जजमेंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन के थ्रू चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट की जजमेंट को ये कहकर सेटिसाइड कर दिया कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2008 के लैप्स करने के बाद 2010 के इस केस में लेबर कोर्ट इस इशू पर ज्यूरिस्डिक्शन अज्यूम नहीं कर सकता था, क्योंकि जिस लॉ की बेसिस पर वो लेबर कोर्ट एस्टैब्लिश था वो 2010 में लैप्स कर चुका था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने चार मेन इशूज थे। पहला इशू ये था कि क्या किसी लॉ के रिपील होने के बाद उस लॉ के प्रीवियस ऑपरेशन को इफेक्ट हो सकता है। सेकेंड इशू ये था कि क्या प्रोसीजरल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ अप्लाई हो सकता है। थर्डली, उस इंटरेग्नम पीरियड के दौरान जब कोई स्पेशल लॉ एग्जिस्ट ना करता हो, कोई अग्रीव्ड पर्सन क्या रेमेडी हासिल कर सकता है। फोर्थ और लास्ट इशू ये था कि क्या डिफैक्टो डॉक्ट्रिन तब भी एग्जिस्ट कर सकता है जब कोई पब्लिक ऑफिस एग्जिस्ट करना बंद कर दे। पहले इशू को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 264 के तहत अगर कोई लॉ रिपील हो जाए तो ये इस लॉ के प्रीवियस ऑपरेशन को इफेक्ट नहीं करता। ये आर्टिकल उस लॉ के नीचे राइट्स, लायबिलिटीज और पेनल्टीज के ऑपरेशन को प्रोटेक्ट करता है। अलबत्ता ये सेक्शन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2008 को अप्लाई नहीं करता। ये लॉ एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था और ये रिपील नहीं हुआ था, बल्कि अपने स्टैट्यूटरी पीरियड के बाद खुद ही लैप्स हो गया। आर्टिकल 264 किसी भी प्रीवियस लॉ को दोबारा रिवाइव करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। सेकेंड इशू पर कोर्ट ने कहा कि एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन था कि जहां कोई स्टैट्यूट कोई सब्सटैंटिव राइट इफेक्ट करे, ऐसा लॉ प्रोस्पेक्टिव होगा। अलबत्ता जब कोई लॉ प्रोसीजरल हो तो यह अज्यूम किया जाएगा कि यह लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई कर सकता है, अनटिल कहीं एक्सप्रेसली ये लिखा हो कि यह लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करेगा या फिर इसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किसी के सब्सटैंटिव राइट्स को मनफी तौर पर इफेक्ट करेगी। केस के थर्ड इशू पर कोर्ट ने कहा कि जब कोई स्पेशल लॉ एक इंटरमीडिएट अरसे के लिए एग्जिस्ट करना बंद कर दे तो इस अरसे के दौरान अग्रीव्ड पार्टीज जनरल लॉज के नीचे अपनी रेमेडी अवेल कर सकती है। इस केस में ये क्लियर था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2008 तब एग्जिस्ट नहीं करता था जब अपेलेंट्स का केस डिसाइड हुआ और इस अरसे के दौरान उनकी रेमेडी आम सिविल कोर्ट्स के पास लाई करती थी। इस प्रिंसिपल को सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एयर लीग केस और सुई नॉर्दर्न केस की जजमेंट को भी साइड किया। केस के लास्ट इशू पर आते हुए कोर्ट ने कहा कि डिफैक्टो डॉक्ट्रिन किसी भी पब्लिक ऑफिसर के पावर के एक्सरसाइज को इफेक्ट करता है। इस डॉक्ट्रिन के तहत अगर कोई सरकारी मुलाजिम कोई अपनी अज्यूम्ड अथॉरिटी के नीचे एक फैसला करे तो ये फैसला इसी तरह जायज होगा जैसे कि उस ऑफिसर के पास इसे करने की डी ज्यूरे अथॉरिटी थी। अलबत्ता डिफैक्टो डॉक्ट्रिन की एप्लीकेशन के लिए ये जरूरी था कि वो पब्लिक ऑफिस एक वैलिड ऑफिस हो जो उस टाइम पर एग्जिस्ट भी करता हो। इस केस में इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट के लैप्स करने के बाद लेबर कोर्ट का ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जिसकी वजह से डिफैक्टो डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं हो सकता था। इन सब इश्यूज की बेसिस पर इस अपील को डिसमिस कर दिया गया। चौधरी नदीम सुल्तान अगेंस्ट द स्टेट थ्रू पीजी पंजाब एंड अनदर। इस पिटिशन के जरिए पिटिशनर ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के ऑर्डर को असेल किया है, इस प्रेयर के साथ कि उसे ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 302, 324, 449, 109 और 34 पीपीसी में पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट की जाए। अब अदालत के सामने सवाल ये था कि क्या एफआईआर का लॉज होना एक इंसान को एक्यूज्ड बना देता है। जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस सैयद मजाहर अली अकबर नकवी ने कहा कि महज एफआईआर की लॉजिंग एक इंसान को एक्यूज्ड नहीं बना देती जब तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसे इन्वॉल्व ना फाइंड करे और इस हवाले से उसके अरेस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना दे। ए रजाक दाऊद वर्सेस मेसर्स अर्बन प्रॉपर्टीज बिल्डर्स 2022 CLC 209। इस जजमेंट में सिंध हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस का फैसला इकट्ठे सुनाया। इस केस में कोर्ट के सामने मेन इशू ये था कि क्या एक रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल प्लॉट के तौर पर स्ट्रिक्ट लीगल रिक्वायरमेंट्स किए बगैर इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स दाऊद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कराची की एक स्कीम के रिहायशी थे और रिस्पॉन्डेंट्स ने पिटिशनर्स के साथ लोकेटेड दो प्लॉट्स को कमर्शियल पर्पस के लिए एक हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पिटिशनर्स ने प्रे किया कि रिस्पॉन्डेंट के इन एक्ट्स को इलीगल डिक्लेयर किया जाए क्योंकि ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान एयरफोर्स के रूल्स के खिलाफ थे और ये कराची टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस 2002 और सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 के भी खिलाफ थे। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि इस पिटिशन में क्वेश्चन ऑफ लॉ से ज्यादा क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट रेज किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची के मेन रोड्स की कमर्शलाइजेशन का नोटिस लिया है और उन्होंने उन बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने का भी हुक्म दिया है जो कि रेजिडेंशियल एरियाज में कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रही थी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1999 SCMR 2089 में यह भी कहा कि जब किसी रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शियल प्लॉट्स में तब्दील किया जा रहा हो तो तमाम बिल्डिंग लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करना लाजमी था और इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इस केस में ये लैंड कराची टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस 2002 की रेगुलेशन 8-3.2.1 में मेंशन की गई कमर्शियल प्लॉट्स की मैक्सिमम एरिया से तजावुज करती थी और ना ही रेगुलेशन 8-4.2 में कमर्शलाइजेशन से पहले पब्लिक नोटिस जारी करने की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया। इन सब इश्यूज की बेसिस पर कोर्ट ने यह केस रेलेवेंट अथॉरिटीज को भेज दिया और रिस्पॉन्डेंट को हिदायत की कि अगर वो कमर्शलाइजेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन लाए तो वो PAF और सिविल एविएशन से भी इसका अप्रूवल लाए क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने के लिए यह लाजमी था। मोहम्मद अशरफ अगेंस्ट मोहम्मद अक्रम एक्सेट्रा। अपेलेंट ने पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के सेक्शन 25 और 28 के अंडर फाइल किया है इस अवर्मेंट के साथ कि अपेलेंट ने रिस्पॉन्डेंट्स के कार्गो सर्विस के जरिए अपनी कमोडिटीज़ बुक की मगर वो 20 जनवरी 2012 को गुम हो गई। अलबत्त उसका क्लेम टाइम बार्ड होने की वजह से डिसमिस हो गया। अदालत के सामने तीन सवाल थे। पहला ये कि पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के सेक्शन 28 के सबसेक्शन 1 के अंडर इशुएंस ऑफ रिटन नोटिस की क्या टाइम लिमिट है। दूसरा ये कि क्या कंज्यूमर कोर्ट क्लेम फाइल करने के डिले को कंडोन कर सकती है। और तीसरा ये कि पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के सेक्शन 28 के सबसेक्शन 4 के प्रोविजर्स का क्या स्कोप है। जस्टिस अनवार हुसैन ने पहले सवाल पे कहा कि कॉज ऑफ एक्शन के अक्रूअल पे रिटन नोटिस इमीडिएटली सर्व होना चाहिए। दूसरा ये कि कंज्यूमर कोर्ट क्लेम फाइल करने के डिले को एक्ट के सेक्शन 28 के सबसेक्शन 4 में दी गई फर्स्ट और सेकेंड प्रोविजो की रोशनी में कंडोन कर सकती है। और तीसरा ये कि पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के सेक्शन 28 के सबसेक्शन 4 के प्रोविजर्स को इन कंजंक्शन विद द मेन प्रोविजन रीड करना चाहिए जो कि सबसेक्शन 4 है। कहाम खान वर्सेस अमर खान 2022 CLC 335 सिविल रिविजन नंबर S-19 ऑफ 2017। ये केस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के सामने एक सिविल रिविजन के तौर पर पेश किया गया जिसमें पिटिशनर्स ने अपने सूट और इसकी अपील के डिसमिसल को चैलेंज किया। इस केस में पिटिशनर्स ने इनिशियली एक सूट फॉर डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजंक्शन फाइल किया क्योंकि पिटिशनर्स के मुताबिक 1992 में कुछ प्रॉपर्टी की म्यूटेशन गलत तौर पर रिस्पॉन्डेंट्स के नाम पर रिकॉर्ड की गई थी। इस केस में कोर्ट के सामने दो मेन इशूज थे। पहला इशू ये था कि म्यूटेशन रिकॉर्ड को कितने अरसे में और किस तरह चैलेंज किया जा सकता है। सेकेंडली, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत एक सिविल कोर्ट की रिविजनल ज्यूरिस्डिक्शन का क्या स्कोप है। पहले इशू पर कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 120 के तहत म्यूटेशन को चैलेंज करने का लिमिटेशन पीरियड 6 साल था। इस केस में पिटिशनर्स अपना सूट 22 सालों के बाद फाइल किया और उन्होंने अपने इस डिले को जस्टिफाई नहीं किया। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 52 और PLD 2008 SC 571 के मुताबिक जमाबंदी या म्यूटेशन रिकॉर्ड्स के साथ एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच्ड होती है। पिटिशनर सिर्फ ओरल एविडेंस की बेसिस पर इन म्यूटेशन एंट्रीज को जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी उससे रिबट नहीं कर सकते थे। कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 117 के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ पिटिशनर पर था कि वो अपना केस प्रूव करे जो कि वो इस केस में डिस्चार्ज नहीं कर सके। केस के सेकेंड इशू के हवाले से कोर्ट ने कहा कि CPC के सेक्शन 115 के नीचे हाई कोर्ट की रिविजनल ज्यूरिस्डिक्शन में उनके पास लोअर कोर्ट्स की कंकरेंट फाइंडिंग्स के साथ इंटरफेयर करने की बहुत ही लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन थी क्योंकि पिटिशनर्स लोअर कोर्ट्स की जजमेंट में कोई इलीगैलिटी, इरेगुलैरिटी या मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस शो नहीं कर पाए। ये रिविजन पिटिशन डिसमिस कर दी गई। मोहम्मद अदील अगेंस्ट डिप्टी कमिश्नर। पिटिशनर का क्लेम था कि उसके ग्रैंडफादर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के साथ एम्प्लॉयड थे
और उनकी डेथ के बाद पिटिशनर के फादर ने पीसीएस रूल्स 1974 के रूल 17A की टर्म्स में एप्लीकेशन फाइल की, पर उनको एज की वजह से अकोमोडेट ना किया गया। और पिटिशनर के फादर की डेथ के बाद पिटिशनर ने भी सेम एप्लीकेशन फाइल की जो कि पेंडिंग है, और पिटिशनर ने इंस्टेंट पिटिशन फाइल की। अब अदालत के सामने दो सवाल थे। पहला ये कि पंजाब सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1974 के रूल 17A का क्या ऑब्जेक्ट था, और दूसरा ये कि बेनिफिशियल, रेमेडियल और डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कैसे इंटरप्रेट होने चाहिए। जस्टिस मोहम्मद शान कुल ने पहले सवाल के जवाब में कहा कि रूल 17A का ऑब्जेक्ट ये था कि एक सिविल सर्वेंट जिसने स्टेट की खिदमत की हो उसकी फैमिली को फाइनेंशियल डिस्टिट्यूट में ना छोड़ा जाए, और दूसरे सवाल के हवाले से उन्होंने कहा कि बेनिफिशियल, रेमेडियल और डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह इन कोऑर्डिनेशन विद द कमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करना चाहिए कि वो मैंडेट को फर्दर करें। लाहौर हाई कोर्ट, शेख शान इलाही वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, रिट पिटिशन नंबर 30013 ऑफ 2021। ये केस लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस में रिस्पोंडेंट ने एक कंप्लेंट दायर की जिसके मुताबिक पिटिशनर्स ने रिस्पोंडेंट को बाहर वर्क परमिट पर भेजने के लिए पैसे तो लिए लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। पिटिशनर्स को फिर पासपोर्ट एंड वीजा मैनुअल 2006 के पैराग्राफ 51 के नीचे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इस केस में और इससे रिलेटेड एक और पिटिशन में कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज रखे गए। पहला इशू ये था कि क्या एक शख्स की राइट टू ट्रैवल को किसी भी इनएक्टेड लॉ की गैर मौजूदगी में सस्पेंड किया जा सकता है। सेकेंड इशू ये था कि क्या पासपोर्ट एंड वीजा मैनुअल 2006 का पैराग्राफ 51 कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। पहले इशू पर आते हुए कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के आर्टिकल 13 के तहत राइट टू ट्रैवल एक फंडामेंटल राइट के तौर पर रिकग्नाइज हुई थी, और इसी तरह एक और सिमिलर प्रोविजन इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 12 में पाई जाती है। इन प्रोविजंस के मुताबिक हर शख्स के पास अपनी कंट्री के अंदर ट्रैवल करने की, इसे छोड़ने की और इसमें वापस आने की राइट है। अलबत्ता पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 एक्सप्रेसली मुल्क से बाहर सफर करने की राइट को गारंटी नहीं करता। इसके बावजूद पाकिस्तानी कोर्ट्स ने आर्टिकल 4 लॉ के मुताबिक ट्रीट करने जाने की राइट और आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को बाहर ट्रैवल करने की राइट को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया है। लिहाजा बाहर ट्रैवल करने की राइट फंडामेंटल राइट्स का एक अहम हिस्सा है और इसे सिर्फ एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाए गए कानून के मुताबिक ही रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। केस के दूसरे इशू पर आते हुए कोर्ट ने कहा कि 2006 का मैनुअल पासपोर्ट्स एक्ट के मकासद को पूरा करने के लिए बनाया गया। पासपोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 8 सिर्फ पासपोर्ट की कैंसिलेशन, इम्पाउंडिंग और कॉन्फिस्केशन की बात करता है और इसमें कहीं भी ब्लैक लिस्टिंग का जिक्र नहीं है। पासपोर्ट रूल्स 1974 भी ब्लैक लिस्टिंग के बारे में कुछ खास नहीं कहते। ये बात सच है कि एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल रूल्स 2010 के रूल 2 के नीचे किसी शख्स का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाला जा सकता है। अलबत्ता 2006 का मैनुअल इस ऑर्डिनेंस से एक लोअर लेवल पर है क्योंकि 2006 का मैनुअल पासपोर्ट एक्ट के मकासद से तजावुज करता है, यह अल्ट्रा वायरस ही है। बहादुर हिलाल अगेंस्ट अनवर हयात थ्रू लीगल एयर्स एंड अदर्स। इस केस में जस्टिस विकार अहमद ने ये इंस्टेंट सिविल रिवीजन और इसके साथ कनेक्टेड रिवीजन नंबर 682P ऑफ 2021 भी डिसमिस कर दी क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस ऑफ लॉ इन्वॉल्व थे। रिस्पोंडेंट्स इस केस में निचले कोर्ट की जजमेंट से एग्रीव थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने सिविल अपील फाइल की जो कि अलाउ हो गई। जल्द डिग्री होल्डर ने एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की जिसको पिटिशनर ने ऑब्जेक्ट किया। इन ऑब्जेक्शंस को सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट तीनों ने डिसमिस किया। पिटिशनर का कहना था कि ऐसी एप्लीकेशंस नहीं मेंटेन हो सकती क्योंकि ये हाई कोर्ट से ऑथराइजेशन लिए बगैर फाइल हुई हैं एज रिक्वायर्ड अंडर ऑर्डर 45 रूल 15 ऑफ CPC, और ये कि लिमिटेशन ऑथराइजेशन से ऑनवर्ड्स कमेंस होती। अलबत्ता अदालत ने कहा कि हालांकि एक्सेप्शन एप्लीकेशन ऑर्डर 45 रूल 15 CPC की कंप्लायंस के बगैर फाइल हुई हैं लेकिन प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर अंदर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स लाने के पर्पस के लिए ये सफिशेंट है। अगर कोई डिफेक्ट था तो वो सबसीक्वेंटली रिमूव हो गया है और लिहाजा निचले दो कोर्ट्स ने राइटली लिमिटेशन वाले ऑब्जेक्शन को डिस्कार्ड किया है। लाहौर हाई कोर्ट, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड महमूद अहमद अख्तर एंड अनदर वर्सेस अलाइड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, सिविल ओरिजिनल नंबर 14 ऑफ 2009। ये केस लाहौर हाई कोर्ट के पास एक सिविल पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर रिस्पोंडेंट कंपनी के रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स की रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते थे जिसके बाद 1400 शेयर्स पिटिशनर्स के नाम पर ट्रांसफर हो जाते।
इस केस में कोर्ट के सामने मेन इशू ये था कि क्या कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 152 के नीचे हाई कोर्ट के पास रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स को रेक्टिफाई करने की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन थी। इस पिटीशन को अलाउ करते हुए जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि ऑर्डिनेंस के सेक्शन 152 के मुताबिक अगर एक कंपनी और उसके मेंबर्स में कोई डिस्प्यूट हो तो हाई कोर्ट को अप्रोच करने की रेमेडी प्रोवाइड की गई है क्योंकि वो कोर्ट कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। इसके साथ सेक्शन 152 को सेक्शन 7 के साथ पढ़ते हुए एक अग्रीव्ड पर्सन के पास के राइट है कि वो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स या रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स को ठीक करवाने के लिए हाई कोर्ट को अप्रोच करे अगर फ्रॉड की बेसिस पर या सफिशिएंट कॉज के बगैर किसी शख्स का नाम रजिस्टर पर लिखा हो। इस बेसिस पर हाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है कि वो ऐसी एप्लीकेशन पर ये डिसाइड करे कि एप्लीकेंट के शेयर से मुतल्लिक क्या टाइटल है और किसी भी ऐसे क्वेश्चन को आंसर करे जो कि डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन के लिए जरूरी हो। MST आबिदा जाकिर एलियस उबैदा जाकिर थ्रू अटर्नी अगेंस्ट राजा अमानुल्ला खान एंड अनदर। इस केस का मेन कंसर्न था फॉरेन जजमेंट की एग्जीक्यूशन और नॉन फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स। पिटिशनर होल्डर था ऑफ अ डिक्री इशूड बाय UK कोर्ट। कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर की इन्फोर्समेंट रिफ्यूज़ कर दी इस प्ली पर कि पाकिस्तान के अर्लियर कोर्ट ने पाकिस्तान में जजमेंट डेटर के एसेट्स के खिलाफ इंटरिम फ्रीजिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने से डिक्लाइन कर दिया था। जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एक निचले कोर्ट का UK कोर्ट के ऑर्डर की इन्फोर्समेंट के लिए इन ग्राउंड्स पर अंडर सेक्शन 44A CPC एप्लीकेशन डिसमिस करना अनलॉफुल था कि अर्लियर डिक्री होल्डर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने फॉरेन कोर्ट के पास किए हुए इंटरिम फ्रीजिंग ऑर्डर की एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी। सेक्शन 44A CPC के अंडर एप्लीकेशन पहले फाइल हुई थी इन्फोर्समेंट ऑफ फाइनल ऑर्डर के लिए जो कि एक ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मनी था। फ्रीजिंग ऑर्डर की इन्फोर्समेंट जो कि फाइनल ऑर्डर का एक इंटेग्रल पार्ट था सिर्फ जजमेंट डेटर के एसेट्स को सिक्योर करने के लिए था, लिहाजा हाई कोर्ट ने निचले कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, मैटर रिमांड कर दिया और अपील अलाउ कर दी। और इसके साथ आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।